राजधानी के बस्तम रातू रोड इलाके में पिछले दिनों हुई जमीन कारोबारी कमर भूषण की हत्या का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें अपराधी फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। फुटेज में साफ दिख रहा है कि भूषण एक घर से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी में बैठ रहे हैं। इसी बीच पीछे से आए अपराधी ने उनके ड्राइवर पर निशाना साधा है। घटना के प्रत्यक्षदर्शी भी इधर उधर भागते नजर आ रहे हैं। घटना 30 जून की है, जब भूषण रातू रोड में एक घर से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी में बैठ रहे होते हैं। तब हथियारबंद अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर उनकी हत्या कर दी। परिवार वालों के अनुसार हत्या में उनकी बेटी के ससुराल पक्ष का हाथ है। इसी आधार पर हत्याकांड का मुख्य अभियुक्त राहुल कुजूर और उसके पिता डब्लू कुजूर को बनाया गया है। अभियुक्तों के फोन कॉल को ट्रेस कर पुलिस उनकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस टीम ने पड़ोसी जिले गुमला में भी उनकी तलाश में छापेमारी की, लेकिन आरोपी पकड़ में नहीं आए हैं। वहीं आरोपी के परिवार वालों पर दबिश बनाकर पुलिस पूछताछ कर रही है। वहीं इस मामले में डीजीपी नीरज सिन्हा ने एसएसपी सुरेंद्र झा से जांच रिपोर्ट मांगी है। पुलिस मुख्यालय से इस संबंध में पत्र एसएसपी को भेजा गया है।